नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पालक, मूली और सरसों का साग तीनों मिक्स है इसमें, ये बना के मैं दिखाऊंगी आप लोग को। ये मेरी सास है जो साग काट रही है, देखिए गांव में ऐसे ही साग काटा जाता है। ठीक है, ये मेरी सास है, साग काट रही है, अभी ये काट देंगे। फिर ये देखिए तेल गरम हो रहा है, अभी इसमें हम पंचफोड़न डाल देंगे, सूखा मिर्चा डाल देंगे, है ना। अभी थोड़ा सा तेल गरम होने दीजिए, तेल गरम हो जाएगा अभी, फिर पंचफोड़न डालेंगे, सूखी मिर्ची डाल के साग को डाल देंगे। तीनों साग मिक्स है इसमें, साग को डाल देंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई तो होने दीजिए, फिर फ्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा जैसे कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो फिर इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि पहले से अगर हम डाल देते हैं नमक ना, पता नहीं चलता है इसमें कितना नमक देना है, क्योंकि साग जो है ना कम हो जाता है, पहले लगता है कि बहुत साग है, ज़्यादा नमक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कम होने देंगे, उसके बाद हम नमक डालेंगे, तो हमको मेजरमेंट रहता है कितना नमक डालना है। अभी इस तरह से हम भूनते रहेंगे साग को, देखिए कितना कम हो गया, कितने सारे साग था, है ना। देखिए ये मेरी अपना बगीचा है, मैं खुद मैं छत पे हमारा मैं साग लगाई हूँ। ठीक है, हाँ अभी थोड़ा कम हो गया, अभी इसमें क्या है नमक डालेंगे अभी, हाँ अभी पता चलता है हमको कितना नमक डालना, ज़्यादा नहीं होता है इसमें, नमक डाल के फिर हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ढाँक देंगे फिर इसको थोड़ी देर के बाद। ये अपना साग जो अपना खुद लगाते हैं हम और अपना बगीचा का साग खाते हैं तो बड़ा मज़ेदार लगता है। अभी क्या करेंगे, लहसुन डाल देंगे लास्ट में, उतारने से पहले लहसुन इस तरीके से आपको थोड़ा सा कूट के डालना है। लहसुन डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा और ढाँक देंगे, थोड़ा सा लहसुन जो है साग में आ जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। और बस हो जाएगा, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ढाँक देंगे, बस हो गया। देखिए कितना आसानी से साग बन गया, सरसों पालक और मूली का साग मिक्स करके बनाई हूँ मैं, और आप लोग भी बनाइए और बताइएगा कैसे लगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत किया है, बस साग होने ही वाला है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बन के रेडी हो गई मेरी साग, देखिए ये गांव स्टाइल है, गांव में ऐसे ही बनाते हैं, हो गया, बस थोड़ी सी देर है, हो जाएगा अभी, ऐसे हिलाते रहना है, बस देखिए बस हो गया है। हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है, मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही साग बनाती हूँ। बाय बाय दोस्तों, देखिए बन गया मेरे साग, अब मैं इसको खाने वाली हूँ, बाय बाय।